सो वेलकम गाइस, मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने नहा लिया है, अब मैं इनके रूम पे जा रही हूँ। ये क्या, फिर मेरा चश्मा कैसा लग रहा बता देना, ओके। ये देखिए, और अभी बजे हैं 11, मैं सच कह रही हूँ, अभी 11 ही बजे हैं। और ये कल रात भर पढ़ाई कर रही थी और अभी तक सोई है, संडे है क्योंकि रेस्ट कर रही है। और ये है अंकिता। अंकी तू क्या कर रही है? पढ़ रही है। करिश्मा उठ जाओ, देखो धूप आ गई यार, पर्दे ही नहीं खुल रहे हैं। यस करिश्मा, इसको दिखा दे। करिश्मा उठ, सुबह 11 बज गए, उठे। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस। ये मुंह पे क्या लगाया है? ये सुंदरता का राज मेरा। आज है संडे और आज का व्लॉग हम बनाएंगे, बिकॉज आज हमें कहीं मैम के यहाँ जाना है, क्योंकि मैम ने हमें लंच पे बुलाया है। और ये लोग अभी तक नहाए नहीं है, एक घंटा हो चुका है। करिश्मा सफाई करी, अंकिता नहाने गई है, कब ये नहाएंगे कब ये जाएंगे। और मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और मैंने अपने बाल भी सुखा लिए हैं। अब हम और मुझे आज ये पहने रहना है, ठीक है। और आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारा लास्ट ब्लॉग रहेगा, मीन्स कि इस मंथ का लास्ट ब्लॉग रहेगा। शायद आपको होली का ब्लॉग भी लेट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे एग्जाम आ चुके हैं, एग्जाम डेट सीट आ चुकी है, इसीलिए अब पढ़ाई भी कर दो। सुप्रीम भेंट प्रियंका साई के लिए। हाँ थैंक यू। कौन बोलेगा हैं? थैंक यू कौन बोलेगा? अरे गताओ। हाँ ये अरे आज, हाँ बाकी को आज आज बांटना है। इसको थोड़ा बोल भी तो सी, किसने दिया, क्या दिया, पूरा थोड़ा एक्सप्लेन कर इसको। दीपक भैया ने दिया। नहीं सी खरोच डाली। अब मैं ये मास शाम को बांटूंगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, अभी हमें लंच के लिए डालना है। और ये मुझसे कितना छीन लिए मेरे, इसके बाल देखो, मेरे बाल देखो। यस अपने बालों का राज बताइए। पिंकी ने इसे खींच खींच के बड़े कर दिए गाइस, इसके बालों के। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। ओके नो, पहले क्रिकेट हाथ में आएगी तभी। नहीं ऐसा नहीं। रेडी? यहाँ कोई नहीं है। सो गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन एक करिश्मा तैयार नहीं हुई है। कितना तैयार हूँ आप? लिपस्टिक कहाँ लगानी है? मेरा चश्मा दो मुझे, आज मुझे पूरे दिन भर चश्मा पहनना है। रख दे उधर ही, रख दे, मैंने कहा रख दे। अंकिता प्लीज ना यार, यार एक करिश्मा संभाल, देखना इसको, उसका ही चश्मा मैं फोड़ दूंगी सच में। तूने उसको किटकैट क्यों नहीं दिया? किटकैट दे फिर मिलेगा। कौन सा किटकैट यार, कौन सा किटकैट? रख लेनी चाहिए। किटकैट नहीं दे सकती मतलब? हाँ किटकैट के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। ऐसे लंबे बालों का यही प्रॉब्लम है, अगर आपके लंबे बाल हैं तो प्लीज कटवा लो, वरना छोटी चोर आ जाएगी। पहले प्रियंका कटवाएगी, फिर उसके सब्सक्राइबर कटवाएंगे। किसी को फोर्सफुली सब्सक्राइब कराएगी अपना चैनल? नहीं ना, तो जो आज तो बिल्कुल जो वो व्हाट्सएप पे लिखती है प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, वो क्या होता है? कब लिखती? मैंने कभी नहीं लिखा, मैंने व्हाट्सएप पे जो मतलब मेरे व्हाट्सएप वाले व्यूवर्स हैं, आपको जानने दो, मैं सिर्फ लिंक दे देती हूँ। पका दिया अब तक, मैं सिर्फ लिंक देती हूँ यार, लिंक नहीं, उसके नीचे से प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब और उसे वो प्लीज थैंक यू प्लीज ना दे दे। मैं शाम को घर आके किटकैट खिलाऊंगी ना, तुम्हें नहीं खिलाएगी तो वो तो किस वजह से? आपके चक्कर में छोड़ मत बोल प्लीज। पहले से मैं तुम लोग को रात को नहीं खिलाती थी रोज के रोज? सुबह में तो खिला रही हूँ, क्यों नहीं बोल रही? आज मैं चश्मा ही पहन के जाऊंगी। वाओ गाइस मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, नजर ना लगे। हाय व्हाट गाइस, हेलो गाइस, ये मेरा चश्मा है। पता है गाइस को, उनको पता है कि प्रियंका साई को कभी चश्मा नहीं लग सकता। चल बोला मैं रियल वाला चल इतना यार, मैं वीडियो शूट कर फोटो शूट कर रही हूं। कितने से करी कि एक साल से फोटो शूट ही कर रही है। चलो चलो गाइस मैं अच्छी लग रही ना, लेट्स गो, आओ फॉलो मी, फॉलो मी, लाओ कैमरा। ओके ठीक है, पता नहीं अंकिता ने मेरी अच्छी फोटो क्लिक की नहीं की है, घर जाके देखूंगी अभी। नाउ वी आर वेरी मच बिजी। हाँ मेरी फोटोग्राफर अंकिता है। यहाँ जा रहे हैं, हमारी एक फ्रेंड हमें और ज्वाइन करने वाली है, अभी दिखाते हैं, वो हमारे ब्लॉग में एकदम न्यू मेंबर होगी, मिलाते हैं हम आपको उनसे। सो हमें नई फ्रेंड हमारी कृतिका ज्वाइन कर रही है हमें, हेलो। और आज हम शॉर्ट रास्ते से जा रहे हैं, हमें पता नहीं है फिर भी चलते हैं।
पता नहीं कौन सा रास्ता है। आज मुझे पिज्जा खिला दे प्लीज। कौन? तू तेरे ब्लॉग के रुपए आगे होंगे ना। ओह माय गॉड गाइस, इतना ये लोग देखते ही नहीं है मुझे क्या कह रही है। देखो प्लीज गाइस, ताकि पिज्जा खिला सके। हमारी शक्ल ही नहीं दिख रही है गाइस, हम रास्ता भूल चुके हैं, पता नहीं कौन से रास्ते से आई है। और ये करिश्मा मंदिर में चली गई है क्योंकि उसने आज खाना नहीं खाया था, 11 बजे उठी थी ना। ये देखो रोड पे पहुंच चुके हैं, जैसे तैसे रास्ता ढूंढ गए। मैंने ढूंढा है ऐसे सीढ़ियां नीचे थे मेरा। ठीक है ये इसका, उसको भी मिला है टाइम नाखून काटने का, क्योंकि मैम देखेगी ना इसका नाखून। तो हम जा रहे हैं मैम के यहाँ और करिश्मा मैम के लिए क्या क्या गिफ्ट लेके जा रही है दिखाते हैं। इसके अंदर सर हम तो कुछ है नहीं, कुछ लेके जा रही है, ले जा रही। क्या बोला? जब किसी मेहमान के वहाँ जाते हैं तो कुछ सामान ले जाते हैं। और तो और क्या ले जाते हैं? गाजर मिर्ची ये ले जाते हैं क्या? नेट खत्म होने वाला था, मैंने सोचा आज एक ब्लॉग डालूंगी। और ब्लॉग में जलाल पैलेस है ना, वहाँ के वाईफाई, वहाँ का वाईफाई यूज करके डालूंगी बोला तो उन लोगों ने पासवर्ड ही बदल दिया। अब मैं अपना ब्लॉग कैसे डालूंगी? अभी मेरा दिमाग आएगी नेट दे करके। और आज मेरा खत्म होने वाला है, मैं रिचार्ज भी नहीं डालूंगी बिकॉज अब एग्जाम आने वाले हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, अब हम अंदर जाते हैं। ओके देखिए करिश्मा सबसे आगे बिल्कुल सामान लेके। मैं मुझे चश्मा में देख के सरप्राइज। हम पहुंच चुके हैं। ये सामान है। फाइनली तुम पहुंच चुके हो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं थी ना, याद है ना? मैंने की थी उम्मीद। तो गाइस ये आप जूस देख सकते हैं, एकदम माल्टी का जूस इतना लाल होता है। ये देखिए माल्टी का जूस, दिखाइए कितना पी लिया। इसको देखो वीरिस ने पूरा खत्म कर दिया। ला तो देखिए जो कितनी गंदी। गाइस ये देखिए करिश्मा ने ना एक मिठाई का डिब्बा भी खत्म कर दिया है। कितना खाएगी? खाऊंगी। अब हमारा खाना रेडी हो चुका है, अब हम खाना खाने जा रहे हैं। ये रहा हमारा गाजर और ये रहा हमारा बूंदी का रायता, इस पे है हमारा चावल। बैठी है। बैठो मैं परोसूंगी तुम्हें, ठीक है? ठीक है शिष्टाचार, शिष्टाचार। देखो जूते पहन के किचन में आ गई। खाना आ गया हमारा, मैम लेके आ गई। बुक्कर नंबर 1 कृतिका, बुक्कर नंबर 2 अरे तो महाबुक्कर है क्योंकि इसने 11 बजे उठी थी ना। खाया नहीं है सुबह से। आज टेंशन फ्री आज ही होती, कल से पढ़ लूंगी। गाइस आज हेमा मेरी स्कूल की फ्रेंड मुझसे मिलने आ रही है, ये देखिए। मोटी कितने साल बाद मिल रही है? 2 साल हो गए। 2 साल बाद। तो ये है मेरी दोस्त सीमा। कहाँ से आई? कौन से मंदिर में? मंदिर घूमने? हाँ, मैं साथ में भी गई, उसके बाद वहाँ गई चिताई। हाँ गाइस हेमा चली गई है, वो मुझसे मिलने आई थी यहाँ, मतलब किसी काम से आई थी, मुझसे भी मिल के चली गई। मैं खा के हेमा से मिल के भी आ गई। इन लोगों का फिनिश नहीं है। ये देखिए हमारा चाउमीन रेडी हो चुका है। हक्का नूडल्स, आर यू रेडी? ऑफ कोर्स रेडी, ऑलवेज रेडी। आज हमने कितना, आज हमने बहुत खा दिया गाइस। रेडी हो चुका है हमारा। ओके बाय मैम, बाय। खाना बहुत टेस्टी था, स्पेशली चाउमीन बहुत ज्यादा टेस्टी। बाय बाय, जा गुस्, चलो फिर बाय बाय।
ओके भाई हम जा रहे हैं। पिंकी ने जो चैलेंज किया था दिन भर चश्मा पहनने का, अब वो मैंने पहन लिया। तुम्हें कैसे लग रही मेरे, तुम इनको भी जरूर बताना। गंदी लग रही एकदम भद्दी। तो गाइस बाय, गुड नाइट। हमने बहुत सारा खाना खाया तो हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, क्योंकि कृतिका को लेट हो रही है, क्योंकि उनको लेट हो रहा है। और सो गाइस अब हम हॉस्टल पहुंच चुके हैं, बहुत थकान होगी, बहुत जल्दी आई। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अरे मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमें, कंटिन्यू ब्लॉग। गाइस अभी अंधेरा हो चुका है, हमारे हॉस्टल में बहुत स्पेशल पर्सन आए हुए हैं। ये देखिए प्रधान जी आए हुए हैं, आपका पता रहे। हाँ ये देखिए, ये है प्रधान जी और ये है साई जी। हाँ इनके भैया भाभी विधायक बनने वाले हैं, सीएमडी। ओके ये रही हमारी प्रधान जी, एकदम यू नो यंग प्रधान, यंग प्रधान। लॉ करती हैं यहाँ से, और ये मैरिड हैं, लगती नहीं है ना, देखो योगा करती हैं ना। अब हम अपना मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम जारी रखते हैं, कल सेंटर में भी बात के आएंगे भैया की ओर से, और भैया को थैंक यू बोलिए। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। ओके ये मास्क भैया की ओर से। ओके थैंक यू दीपक भैया, थैंक यू बहुत है ना, ले लीजिए। थैंक यू। इस मास्क हमने बांटे हैं क्योंकि बच्चे सब सोए थे अपने अपने रूम पे, तो ऐसे देखे आए, इसका ब्लॉग कम बन पाया, बट आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। ओके बाय, और मिलते हैं अप्रैल में। टाटा, टेक केयर, हमारा एग्जाम है।